नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तराखंड के जोशी। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी पहुंचे लाता गांव में, किया मां नंदा का दर्शन। सीमांत घाटी का एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव माना जाता है जिस गांव का नाम लाता गांव है। जिस लाता गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। बता दें कि इसी लाता गांव में विगत 12 वर्षों के उपरांत मां नंदा द्योरा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जो मां नंदा द्योरा यात्रा एक महीने के आसपास आयोजित की गई थी। इस दौरान मां नंदा ने दर्जनों गांव में क्षेत्र भ्रमण कर सभी स्थानीय लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। बता दें कि मां नंदा अब अपने निवास स्थान पर पहुंच चुकी हैं। इस दौरान लाता गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने मां नंदा के ससुराल पहुंचने पर उनके निवास स्थान पर एक विशाल मेले का आयोजन कर एक भंडारे का भी आयोजन किया। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने सुंदर पारंपरिक झुमोलों के साथ साथ मां नंदा को प्रसन्न किया। बता दें कि अंतिम दिन मेले के दौरान बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी एवं उनके साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मां नंदा के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। रिपोर्ट देखिए नवीन सिंह के साथ। देवरा हो रहा है और करीब करीब एक महीने तक घाटी में पूरा भ्रमण में रही। माता जी का बहुत प्रभाव है, बहुत आशीर्वाद है, बहुत बरदाई हुई है और माता से जिसने भी मनौती मांगी है उसकी हमेशा मनौतियाँ पूरी हुई है। मैं यहाँ कई बार आया हूँ और माँ के दरबार में कई बार मैंने भी मनौतियाँ मांगी है, हमारी भी मनौतियाँ पूरी हुई है। इसलिए पुनः आज माँ के दरबार में आने का मौका लगा, उनका आशीर्वाद लेने का मौका लगा और ऐसी माता ऐसी उत्तराखंड के अंदर बहुत ही कम स्थानों पर देखते हैं। मेरा मनीषा है और हम लाता गांव के रहने वाले हैं और ये नंदा द्योरा 12 साल बाद हो रहा है लाता गांव में। तो आज इसका आखिरी दिन है, नंदा माँ अपने गांव में वापस आ चुकी है। आज बेटा कितनी भीड़ होगी इस मेले में? लगभग 1000 से ज़्यादा लोग होंगे और हर 12 साल बाद ये मेला होता है और नंदा देवी अपने मायके जाती है और फिर वहाँ से भ्रमण करके आती है। और आया नंदा सिद्धपीठ माँ नंदा देवी 12 साल बाद द्योरा यात्रा नीति घाटी के द्योरा यात्रा के लिए गई है और कल हमारी माँ नंदा अपने स्थान पे पहुँच गई है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और जैसे कि हम लोग यह हमारी माँ नंदा अपने गर्भगृह में आती है तो दूसरा दिन हम लोग झाड़ी बत्ती देते हैं और बहुत अच्छा ढंग से हम लोग अपने रीति रिवाज के साथ हम लोग यहाँ मेला प्रोग्राम करते हैं। लगभग कितनी भीड़ होगी आज इस मेले में? पता नहीं, लगभग तो बहुत सारे भी हैं, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं। और द्वारा यात्रा हमारा प्रारंभ हुई थी, माँ नंदा देवी पूरे अपने ध्यान के साथ यहाँ से नीति फैली हुए जितने हमारे ग्राम पंचायत हैं वहाँ पे भ्रमण करके माँ भक्ति कल लाता गांव स्थान में और आज जो यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और माँ भक्ति को मनाया बजाया जा रहा है, पूरे सीमांत खाती ने इस वक्त बढ़ चढ़ कर इसकी जिम्मेदारी की है और इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम चलता है माँ भक्ति नंदा द्वारा यात्रा ये हर 12 साल बाद होता है। माता का स्थान है और हर 12 वर्ष के बाद ये नंदा द्योरा जो होता है लगभग 24-25 गांवों में इस यात्रा का भ्रमण स्थल है और प्रत्येक गांव में दो भेंट इसको कहते हैं और दो भेंट में माता प्रत्येक गांव में अपना दर्शन देती है। तो आज कल शाम को अपने निश्चित स्थान पर माँ का प्रवेश हुआ, पूरे गांव में जितने गांव में घूमना था नीति घाटी के गाँव हैं तो उन गांवों में भ्रमण करने के बाद सभी अपने ध्योध्यानियों को आशीर्वाद देते हुए ये माँ अपने सिद्धपीठ स्थान में पहुंची है और आज जो ये 12 वर्षों के बाद जो ये द्योरा होता है आज समापन की ओर है। सभी यहां पर लगभग लोगों को हजारों संख्या में मातृशक्ति पहुंची है, देवभक्त पहुंचे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं। आज
जितने भी घाटी के लोग हैं, नीति घाटी के जितने भी लोग हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। इन लोगों ने एक समिति का गठन किया है और इस समिति के माध्यम से पूरे गांव का जो एक पंचायत भी है और समिति भी है, ये दोनों मिलकर के आपस में जो तालमेल है इनका बहुत अच्छा देखने को मिला। मलारी में, नीति में, गमसाली में, बांपा में, भल्ला गांव, ये सारे गांवों को कवर करते हुए माँ ने सभी भक्तों को भक्तों की सुख समृद्धि के लिए कामना किया भक्तों ने, और माँ ने इनको आशीर्वाद दिया है। और इसी सिद्धपीठ में हर वर्ष लोग अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, लेकिन ये देवरा हर 12 वर्ष में संपादित होता है। धन्यवाद जी। प्रमुख जी, अभी इस मेले में कितनी लगभग कितनी भीड़ होगी? मुझे लग रहा है कम से कम यहाँ जो भीड़ दिख रही है 5000 के आसपास लोग होंगे।